चैनल। तो आज हमारे घर में सुबह सुबह संजू भैया साथ ही साथ चानू भी आए हुए हैं, जस्ट बिकॉज आज हमारे घर में मेरे रूम के जो बेड वेयर है वो सारा सब कुछ अच्छे से अरेंज कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे हम लोगों का बेड जो था ना वो बीच में था, तो इस तरफ भी गैप उस तरफ भी गैप, तो अभी धान के लिए बहुत ज्यादा मतलब रिस्क है, तो इसलिए हम लोग बेड जो है ना उसको थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन पे इसको हम करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा हायर करके लेकर आए हैं, संजू भैया भी है साथ में, साथ चारों भी आ सकते हैं। सामने तो सुबह सुबह यहाँ पर करीबन 6 बजे आ गया था चानू, सुबह सुबह 6 बजे आ गया। 6 बजे नहीं, 11 बजे। नहीं नहीं नहीं, 6 बजे हमेशा 6 बजे ही आते हैं सुबह सुबह। तो 6 बजे जैसे ही मतलब राहुल ने बोला था कि बेड शिफ्ट करना है, तो चानू 6 बजे आ गए और संजू भैया को तो बुला बुला के तो ये लोग पूरा काम कर रहे हैं। राहुल का स्वामी मेरे तो मंच अंदर का से होते काम मार गया इस तो मेरा काम मार अंदर का से हो जो फसम बने को मतलब ये अंदर ही कनेक्शन जम गया दोस्तों। जो अस्ति अंकल हो आपने कॉलिंग मेरा आउट थियो तो गाड़ी को वो विजय में हरकम में खाना थियो खाना खा रहे क्यों बात काम करते इन लोगों को। मैं डायरेक्शन दिखा दिखा के थक चुकी हूँ, बाबा भी आए हैं इन लोगों को डायरेक्शन दिखाने के लिए। चानू तो बेचारे सुबह सुबह आ गए थे यहाँ पे करने के लिए। तो फाइनली काम कंप्लीट हो गया है। हो गया, टच न कर। तो रेडी तैयार, लो हम लोग इस डायरेक्शन पे कर दिया है, उस तरफ से भी बंद, इस तरफ से भी बंद, बिकॉज हमारा लाइक हमारा बेड बीच में था, तो अभी यू ऑल नो कि धान क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है, तो दोनों तरफ से तीनों तरफ से जब खुला था ना तो हमें बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा था, तो फिर लिटरली हम लोगों ने सोचा कि बेड को हम दूसरे डायरेक्शन ही कर देते हैं। तो फाइनली मेरा पूरा बन चुका है, यहाँ पे हो गया है, तो अभी जो है थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना वो बाकी रह गया है, तो वो हम कर लेंगे। और वेजेस इन लोगों को हम देंगे नहीं, जब घर का ही काम है तो वेजेस क्या है ना, हाजिरा में आ गए ना। तब तक हम लोग दे रहे थे डायरेक्शन, अभी झाड़ू लगा रही है। जैसा पति वैसा बीवी, पति भी सिर्फ डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, पूरा सीख लिया ना। तो मेरे ऊपर का काम जो था वो सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गर्मी हो रखी है। खैर मेरे ऊपर की जो काम है वो सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद, आई हैव केम हियर इन द किचन एंड किचन पे आके अब लंच जो है वो तैयार करनी है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा, तो लेट्स चेक। अभी ना एक्चुअली ना कोई सब्जी वगैरह भी नहीं है मार्केट में, बस एक ही चीज़ परवल वगैरह ये सब कुछ ही है ना, तो रोज़ एक ही खाना खाने का सब्जी बताओ तो मन ही नहीं करता। तो मैं वही चेक देख रही हूँ कि आज क्या बनाऊँ, तो जो हाथ में आएगा वही बना लेंगे। मेरा वो फ्रिज बंद करके रखा है मैंने, भी अब क्या बनाऊ है, तो वहाँ अभी बीन्स है, परवल है, ये सब कुछ है, तो उन्हीं चीज पे बनाना है। तो चावल तो मैंने बिठा दिया है, साथ ही साथ दाल भी बना दिया है, क्योंकि मुझे दाल और चावल तो मुझे भी दाल को देना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने वो बना दिया है, बस सब्जी रह गया है, और सब्जी हम सोच रहे कि क्या बनाए, तो अभी देखते हैं कि क्या बना सकती हूँ। तो फाइनली मेरा यहाँ पे हो जाने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से वापस। तो ये रहा हमारा जो बेड था ना, वो हम लोगों ने अरेंज कर दिया है, और भैया वगैरह भी सभी जा चुके हैं। तो माय गॉड, यहाँ पे गर्मी इतना है, तो आज बहुत अच्छे तरीके से धूप निकली हुई है। तो मैंने क्या किया है ना, अलमारी से जितने भी मेरे कपड़े वगैरह थे सबको सुखाने के लिए रख दिया है, तो सुबह ही मैंने सुखाने के लिए रख दिया, तो अभी मैं जाके उसको सारा सब उठा लूँ, क्योंकि ना यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, अभी धूप आई हुई है, धूप निकली हुई है, तो बस थोड़ी ही देर में फिर से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेरा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि कपड़े वगैरह जितने भी मैंने सुखाने के लिए रखे थे, तो इसलिए बारिश होने से पहले ही मैं मतलब निकाल देती हूँ उसको सारा सब कुछ, अभी मैं पैक करके रख देती हूँ। एंड रिधान जो है माँ के रूम में है, तो माँ के रूम पे भी सोया हुआ था, तो शायद चेक किया होगा वो।
तो ऑलमोस्ट 11:35 एंड कपड़े वगैरह में सारा सब कुछ अभी उठा लूँ। मैं आपको दिखा दूँ ना मैंने किस तरीके से कपड़े सुखा के रखे हैं। मॉर्निंग में ना यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से धूप आ रही थी बट अभी धूप नहीं है, तो ये रहा मेरे कपड़े वगैरह मैंने इस तरीके से सुखा दिया था। तो अभी सारे सब कुछ मैं उसको उठा के रख देती हूँ। तो मेरा खाना वगैरह बनाना सारा सोच कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट 1:40। तो अब मैं जाऊंगी ऊपर और जाके और रिधान को नहलाती हूँ। रिधान को नहलाने के बाद उसको फिर सुला दूंगी, खाना वाना खिला के फिर मैं नहाऊंगी। बहुत गर्मी में तो सुबह भी नहा चुकी हूँ, अभी भी दो बार मतलब नहाने वाली हूँ। इनफैक्ट गर्मी में तो करीबन मेरा 3 से 4 बार नहाना हो जाता है। तो लेट्स गो एंड रिधान को भी मैं नहला दूँ। अब जाके रिधान को नहला दिया मैंने, नहा धो के खुद खाना वाना खा के रिधान को आज मैंने सुला भी दिया है। एक्चुअली ना रिधान को आज मैंने माँ बापा के साथ ही सुलाया, क्योंकि लाइक यू नो धीरे धीरे ऐसी आदत डालना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाहर चली जाऊँ लाइक यू नो मेरा तो मैरिनेटी खत्म हो जाने के बाद फिर तो मैं डेफिनेटली अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन करने के लिए जाऊंगी ही। फिर बाद में ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद फिर वो सोए ना मुझे ही ढूंढते रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे उसको ना नाना उसके दादा दादी के साथ सोने की आदत डलवा ही रही हूँ। तो आज जो है रिधान माँ बापा के साथ ही सोया हुआ है एंड राहुल अपने रूम में सोए हुए हैं और मैं आई हूँ किचन पे। तो मैं सोच रही हूँ आज रिधान के लिए मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में, तो सोच ही रही हूँ लाइक अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। मैंने देखा कि मेरे पास दूध पड़ा है तो दूध से और चावल से खीर बना देती हूँ। तो रिधान को भी पसंद है खीर, साथ ही साथ राहुल को भी पसंद है, माँ बाबा सभी को पसंद है, मुझे भी पसंद। तो मैं भी खीर बना लेती हूँ फिर सबको दे देती हूँ एंड मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय।